Hey guys, hi, welcome back to my channel. Happy Raksha Bandhan to all of you. और आज का ये जो look है, ये Raksha Bandhan special look है, but मेरे sisters and brothers के लिए ये जो look है, ये मैंने create किया है Amazon cheapest makeup product से, जैसे primer, face powder, फिर लिपस्टिक्स सब कैटेगरी से मैंने जो चीपेस्ट प्रोडक्ट अमेज़न पे था लो टू हाई करके प्राइस एंड उस प्रोडक्ट से मैंने इस लुक को क्रिएट किया है. सो अगर आपको ये लुक पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट से मैंने इस लुक को क्रिएट किया है. और ये जो प्रोडक्ट्स मैंने इस्तेमाल किया है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मुझे पसंद आया है कि नहीं, सब कुछ मैं डिटेल में शेयर करने जा रही हूँ. सो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाली है. मेक श्योर वीडियो को पूरा देखें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट मैंने अपने स्किन को प्रेप किया है. मेकअप से पहले आपको अपने स्किन को प्रेप करना हमेशा बहुत ज्यादा जरूरी है. तो स्किन को प्रेप करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है पहले ये लॉरियल पेरिस रीवाइटल लिफ्ट क्रिस्टल माइक्रो एसेंस. और ये जो माइक्रो एसेंस है इसका हम लोग बहुत ही ज्यादा एडवर्टाइजमेंट देखते हैं आजकल. ड्राई स्किन पीपल के लिए उतना हद तक काम नहीं करेगा क्योंकि ये एक एसेंस है जो स्किन में अब्सॉर्ब हो जाता है, जो आपको सीरम से पहले इस्तेमाल करना है. सो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको पहले ये इस्तेमाल करना पड़ेगा, फिर सीरम, फिर क्रीम. और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसे इस्तेमाल करने के बाद कोई फेस क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सीरम आप स्किप कर सकते हैं. ये एक डे टाइम रक्षाबंधन लुक है जिसके लिए मैंने नेक्स्ट एक सनस्क्रीन को अप्लाई किया है अपने फेस पे. ये है न्यूट्रीजेना अल्ट्रा शियर ड्राई टच सन ब्लॉक विद SPF 50+. और ये छोटू सा पैक है लेकिन इसका एक बड़ा भी 88 ml का भी आता है. उसका प्राइस थोड़ा ज्यादा है लेकिन ये 30 ml का है जो बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में अमेजन पे मिल रहा था. सो आई थॉट मैं इसे ही ट्राई कर लेती हूँ क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है. मैं शायद 2-3 सालों से मैं इस सनस्क्रीन को इस्तेमाल कर रही हूँ एंड मुझे ये बहुत ही ज्यादा पसंद आता है एंड ये मेरे स्किन पर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता. हालांकि कई और सनस्क्रीन है जो मेरे स्किन पर रिएक्ट करते हैं बट इसे इस्तेमाल करके कोई रिएक्शन नहीं होता है. दैट्स व्हाई आई लव यूजिंग दिस. एंड ये वाटर प्रूफ भी है, सो दिस इज द बेस्ट पार्ट. ये जो सीजन है मॉनसून और समर सीजन, तो इसमें ना स्वेटिंग के कारण मेकअप कई बार मेल्ट हो जाता है, तो प्राइमर लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो ये जो ब्लू हेवन का मेकअप फिक्सर है इसे मैंने एज अ प्राइमर भी इस्तेमाल किया है एंड इसे आप एज अ मेकअप फिक्सर भी इस्तेमाल कर सकते हैं. सो कोई मेकअप फिक्सर को आप एज अ प्राइमर भी इस्तेमाल कर सकते हैं. सो आई थॉट कि 2-in-1 काम हो जाएगा क्योंकि ये इतना बड़ा एक पंप सिस्टम स्प्रे बॉटल है. ये आप अपने होल फेस पर स्प्रे कर लीजिए एंड फिर आप फाउंडेशन या कंसीलर अप्लाई करें तो मेकअप बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है. सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड हैक, वो आप जरूर ट्राई कर सकते हैं. और मैंने ये वाला ट्राई किया है, ये बहुत ही छोटा सा आया एंड एज एक्सपेक्टेड क्योंकि ये सिर्फ शायद 6 grams का था. सो 6 grams में इतना ही आएगा और ये ट्रैवल साइज एक पैक है. बट जो शेड मैंने चूज किया है ना वो गलत हो गया क्योंकि ये शेड है बेज वनीला जो कि मेरे स्किन टोन से काफी डार्क है. लेकिन उसके बाद ना मैंने एक बड़ा वाला ऑर्डर किया है जो कि ये वाला है जो कि मेरे शेड का ही है. ये लैक्मी 925 वेटलेस स्मूथ फाउंडेशन, ये इसका प्राइस बहुत ज्यादा है बट ये जो छोटा वाला है ना ये आप ट्राई कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में अमेजन पर मुझे दिखा और आप इसे ट्राई कर सकते हैं. तो अगर पसंद आए तो आप बड़ा वाला पे इन्वेस्ट कर सकते हैं. बट दिस इज रियली गुड. इसका जो फॉर्मूला है वो ऑयली स्किन के लिए परफेक्ट है बट फॉर ड्राई स्किन टाइप आई डोंट थिंक ये उतना अच्छा वर्क करेगा. अगर आप बीच एरिया पर जा रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा स्वेटिंग होता है आपके तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा लाइट वेट है और काफी अच्छा इसका कवरेज भी है. शियर टू मीडियम कवरेज है, हाई कवरेज नहीं है बट बहुत लाइट वेट है तो ऐसा आपको फील ही नहीं होगा कि आपने कोई फाउंडेशन अप्लाई किया है. बट ड्राई स्किन के लिए ये थोड़ा सा ड्राइंग हो सकता है बट ऑयली स्किन के लिए इट विल वर्क वंडर्स. कंसीलर में मैंने जैसे ही लो टू हाई किया ना वैसे ही मुझे ये वाला ओलिविया मेकअप स्टिक दिखा एंड ये जो मेकअप स्टिक है ये एक टाइम तो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में था लेकिन अभी काफी सारे और ब्रांड्स के अफोर्डेबल भी निकल गए हैं बट दिस इज सो अफोर्डेबल. ये 100 rupees के नीचे था एंड ये जो मेकअप बेसिस का जो मेरा शेड है वो है 03 नेचुरल एंड दिस इज परफेक्ट फॉर माई स्किन टाइप क्योंकि ये एक ब्राइटनिंग कंसीलर है. तो ये स्टिक टाइप्स है, बहुत ही ज्यादा बटरी सॉफ्ट एंड क्रीमी सा है बट ये क्रीज करता है क्योंकि मेरे अभी आप लोग देख सकते हैं मेरे आईज के नीचे थोड़ा थोड़ा क्रीज हो चुका है ऑलरेडी. सो
या आप डेली बेसिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, अगर आप उतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं देन आप ये इसे ट्राई कर सकते हैं। इसका कवरेज भी काफी अच्छा है आई मस्ट से, क्योंकि मैंने ब्लू हेवन का भी ट्राई किया था कंसीलर, उसका कवरेज बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बहुत वॉटरी सा है। ये क्रीम बेस्ड है तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, इसका कवरेज बहुत ही ज्यादा अच्छा है। बट मुझे पर्सनली, मैंने जितने भी कंसीलर्स ट्राई किए हैं, मैंने एले गर्ल का भी ट्राई किया था, मुझे बेस्ट लगा ये मेबलिन कंसीलर। जो मेरा जो शेड है वो है 20 सैंड, तो कभी कभार मैं 25 मीडियम भी ट्राई कर लेती हूँ, कभी कभार 20 सैंड भी मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो ये भी मैंने अमेजन से परचेज किया है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल में मुझे मिल रहा था, अफोर्डेबल प्राइस में। अमेजन पे ऑफर्स एंड सेल्स चलती रहती है, तो आप डेफिनेटली नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे प्रोडक्ट्स की परचेजिंग लिंक्स प्रोवाइड किया है, आप उस लिंक से परचेज कर सकते हैं। वहां से अगर आप ओपन करेंगे तो आपको दिखेगा कि अभी करेंटली अमेजन पे ये सारे प्रोडक्ट्स कितने प्राइस में मिलेंगे। सो नेक्स्ट कॉम्पैक्ट पाउडर में जब मैंने लो टू हाई किया ना, तब मुझे लैक्मे का ये कॉम्पैक्ट पाउडर दिखा। एंड ये जो कॉम्पैक्ट पाउडर है ये बहुत पुराना कॉम्पैक्ट पाउडर है, इसमें मेरा शेड है नेचुरल मार्बल। इसमें कई सारे और शेड्स है अभी अवेलेबल, पहले इतने शेड रेंज नहीं था, लेकिन रियली गुड। और फिर मैंने देखा ओलिविया का भी ये कॉम्पैक्ट पाउडर है और मैंने इसे भी परचेज कर लिया, बट इसमें जो मेरा शेड है वो गलत आ चुका है, ये है नेचुरल पीच 03 नेचुरल पीच, जो कि मेरे स्किन टोन के लिए बहुत ही ज्यादा रेडिश एंड पिंकिश ऐसा है, और तो मैंने इसे इस्तेमाल नहीं किया है। फिर मैंने फेसेस कनाडा का ये जो पाउडर है ये भी मैंने परचेज किया है, इसमें भी मेरा शेड गलत आ चुका है क्योंकि ये भी मेरे स्किन टोन के लिए बहुत ही ज्यादा पिंकिश सा है, तो मेरे स्किन पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने फिर लैक्मे का जो कॉम्पैक्ट पाउडर है उससे ही मैंने आज काम चला लिया, क्योंकि वो मेरे शेड के लिए, मेरे स्किन टोन के लिए एकदम परफेक्ट था। बट कॉम्पैक्ट पाउडर में भी मैं हमेशा रेकमेंड करूंगी आप सबको, आप थोड़ा सा 100-200 रुपए ज्यादा देके आप ये मेबलिन फिटमी का जो कॉम्पैक्ट पाउडर है इसे ही हमेशा ट्राई करें, क्योंकि दिस इज द बेस्ट। मैंने इसका जो कवरेज है ना, इसमें थोड़ा सा कवरेज आपको मिलेगा, बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं है, जैसे फिटमी का जो लूज पाउडर है ना वो काफी ड्राइंग है, ये उतना भी ड्राइंग नहीं है। सो ड्राई स्किन के लिए तो ये परफेक्टली ही रहेगा। मेरा शेड है 220 नेचुरल बेज, सो आप ट्राई कर सकते हैं। ब्लू हेवन आर्टिस्टो ब्राउ पेंसिल या स्टाइलर, ये मैंने आईब्रो प्रोडक्ट पे किया है एंड दिस इज सो अफोर्डेबल, ये बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है, बट ये हाई एंड ब्रांड्स की तरह काम करता है। इसका जो टिप है ना वो थोड़ा सा अगर प्रिसाइज होता, थोड़ा सा थिन होता, तो प्रिसाइजली हम लोग जो फ्रंट पोर्शन पे जो हेयर लाइन ड्रॉ करते हैं ना वो प्रिसाइजली हम लोग ड्रॉ कर सकते थे, बट नेवर्थलेस दिस इज रियली गुड। इसका जो शेड है वो मुझे काफी अच्छा लगा क्योंकि ये बहुत ही डार्क शेड है जो कि मेरे लिए परफेक्ट है। इसके और भी कई सारे शेड्स हैं जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट ब्लू हेवन का ये लाइनर, आई लाइनर्स मैंने देखा, ये वाटरप्रूफ आई लाइनर्स है एंड ये इतना ज्यादा अफोर्डेबल है, आई थिंक ये 60-70 रुपीस के भी नीचे है, इतना अफोर्डेबल अमेजन पे मिल रहा था। सो आई थॉट मुझे इसके जो भी सारे शेड्स है वो ट्राई करने ही है, एंड इसमें कई सारे यूनिक शेड्स थे, जैसे ब्लैक और ब्लू शेड्स तो मैंने इस्तेमाल भी किया है, लेकिन इसमें एक रेड शेड था और एक ग्रीन शेड था विच लुक्स सो प्रिटी। इसका जो ग्रीन शेड है ना वो एकदम चटाक ग्रीन भी नहीं है बट थोड़ा सा सटल ग्रीन है जो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, तो मैंने सारे ही परचेज कर लिया। तो आज का जो लुक है इसमें मैंने ये वाला रेड शेड अप्लाई किया है एंड दिस लुक्स सो क्लासी। आजकल ना ये कलर्ड लाइनर्स का ट्रेंड चल रहा है एंड बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड है ये सारे शेड्स, तो आप इन शेड्स को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। इतने अफोर्डेबल रेट में आपको इतने सारे खूबसूरत शेड्स मिल रहे हैं विच आर सो मच ट्रेंडिंग दीज डेज। मैं पहले मेबलिन का मस्कारा इस्तेमाल करती थी, तो मस्कारा में मैं सोच रही थी कि अफोर्डेबल मस्कारा कौन सा मुझे मिलेगा। जब मैंने लो टू हाई किया तब मुझे ये मार्स का मस्कारा दिखा विच इज सो गुड। मैंने इसे पहले भी इस्तेमाल किया है और मुझे पता था कि ये कितना ज्यादा अच्छा एक मस्कारा है, वॉल्यूम ऐड करता है, लैशेस को एक लिफ्ट देता है, थोड़ा सा कर्लिंग इफेक्ट भी है, और इसका जो वॉन्ड है ना वो भी एक यूनिक टाइप में है, तो आई रियली लव दिस वन। आई शेडो मैंने ये मिस रोज का 36 कलर आई शेडो पैलेट चूज किया है क्योंकि इसमें 36 शेड्स है और बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस था, ऑफर में मिल रहा था। सो आई थॉट कि अगर मैं कोई दूसरे ब्रांड का ट्राई कर रही हूँ तो उसमें सिर्फ 10 या 6 शेड्स ही मिल रहे थे,
लेकिन इसमें 36 शेड्स हैं, तो अगर ये अच्छा रहता है तो काफी अफोर्डेबल और काफी हेल्पफुल रहेगा आप सबके लिए। ज्यादा मैट शेड्स नहीं है, सारे ये शिमरी शेड्स हैं, जैसे ये वाला व्हाइट एंड ये जो येलो शेड है ये बहुत ही ज्यादा पाउडरी है। ब्लैक शेड में भी थोड़ा शिमर है तो आप उससे आईब्रोज फिल नहीं कर सकते, बट काफी हल्का सा इसमें ग्लिटर है, हल्का सा, चंकी ग्लिटर्स नहीं है। मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि हाईली पिगमेंटेड है ये आई शेडोज। पोर्शन है ना, इसको एज अ ब्लश भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आज मैंने इससे ही ब्लश अप्लाई किया है एंड दिस लुक सो नेचुरल, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है और एक हल्का सा शाइन भी है जो कि काफी ग्लोइंग एंड खूबसूरत दिख रहा है। सो आई थिंक दिस इज अ रियली गुड पैलेट टू इन्वेस्ट, क्योंकि अफोर्डेबल भी है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए, टीनेजर्स के लिए ये काफी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट मैंने काजल भी ट्राई किया है, क्योंकि काजल तो डेली बेसिस पर हम लोग ट्राई करते ही है, तो मैंने जैसे ही मैंने लो टू हाई किया ना, मुझे ये एनवाई बे द बिग एप्पल ऑफ माई आई ये वाला काजल दिखा एंड ये मैंने और बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, तो ये बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि इसका जो पिगमेंटेशन है ना वो बहुत अच्छा है, एकदम जेट ब्लैक इसका पिगमेंटेशन है और बिल्कुल भी आईज को इरिटेट नहीं करता, काफी अच्छा है। आप इसे डेफिनेटली एक बार ट्राई कर सकते हैं, अफोर्डेबल रेट में आपको अमेजन पे मिल जाएगी। तो ऐसे हाइलाइटर में भी ना काफी सारे मार्स के, इनसाइड कॉस्मेटिक्स के हाइलाइटर्स थे, लेकिन उसमें शेड्स नहीं अवेलेबल थे। प्योर व्हाइट कलर का ऐसा मिला था जो कि बिल्कुल भी मेरे स्किन टोन पर नहीं जाता, तो मैंने ये वेट एंड वाइल्ड मेगा ग्लो हाइलाइटिंग पाउडर ही लिया है। इसमें मेरा शेड है प्रेशियस पेटल्स एंड दिस इज ब्यूटिफुल हाइलाइटर। आप अगर कोई हाइलाइटर ट्राई करना चाहते हैं देन डेफिनेटली ट्राई दिस वन, यू आर गोना लव दिस। नेक्स्ट फॉर लिपस्टिक, जैसे ही मैंने लो टू हाई किया, मुझे ये इनसाइड कॉस्मेटिक्स का ये लिपस्टिक दिखा, उसमें एलेटिन के भी लिपस्टिक्स थे और इनसाइड कॉस्मेटिक्स का भी था, लेकिन इसका प्राइस थोड़ा सा लो था, उस टाइम कुछ ऑफर चल रहा था। तो ये जो शेड है ये बहुत ही खूबसूरत सा एक ब्राइट शेड है जो बहुत अच्छा लगेगा हर स्किन टाइप के लिए ही। आप लोग देख सकते हैं, इट लुक्स सो अमेजिंग, मुझे ये शेड बहुत ही अच्छा लगा। ये बुलेट लिपस्टिक है, ट्रांसफर प्रूफ नहीं है, बट आप इसके ऊपर अगर पाउडर थोड़ा सा पफ कर देंगे ना तो ये ट्रांसफर प्रूफ, किस प्रूफ बन जाएगा, वो एक हैक है, वो आप ट्राई कर सकते हैं। एंड लास्टली फॉर सेटिंग स्प्रे, मुझे लगा ब्लू हेवन का ये जो सेटिंग स्प्रे है ये तो मैंने प्राइमर की तरह इस्तेमाल कर ही लिया, तो फॉर सेटिंग स्प्रे या मेकअप फिक्सर मैं कोई दूसरा ट्राई करूं, तो मैंने ये वेट एंड वाइल्ड फोटो फोकस मिनी मैट सेटिंग स्प्रे ट्राई किया। ये बहुत ही अच्छा है और ये मास्क पे बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं होता, बहुत ही ज्यादा मैट लुक देता है, येट अगर आपने हाईलाइटिंग की है तो उसका जो ग्लो है वो भी दिखेगा। सो दिस इज रियली गुड, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप इस वीडियो से आप सबको हेल्प हुई है। वीडियो पसंद आए तो यू नो द ड्रिल, यू हैव टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इसी तरीके का वीडियोस देखने के लिए नीचे कमेंट करके जरूर मुझे बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। वंस अगेन, हैप्पी रक्षाबंधन, बाय।